लिखेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमारे पास है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल लिखिएगा एन अकाउंट सेल इज प्रियांशु भाई तेरा माइक ऑफ करना नॉइस आ रहा है इसको प्रियांशु। एन अकाउंट सेल इज द पीरियोडिकल समरी। पीरियोडिकल समरी सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। देखिएगा बहुत ध्यान से समझना, अकाउंट सेल एक पीरियोडिकल समरी है। पीरियोडिकल समरी का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम पर, जैसे हर मंथ में या हर दो महीने में, जैसा भी कंसाइनर और कंसाइनी डिसाइड करेंगे, तो कंसाइनी जो है वो एक स्टेटमेंट बनाकर किसको भेजता है, कंसाइनर को भेजता है। इट कंटेन्स फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को बनाकर भेजता है। अब वो उसमें क्या क्या डिटेल देता है, सेल्स मेड कि भैया मैंने इतनी सेल कर दी है, इस बात की वो इंफॉर्मेशन देता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड expenses incurred on behalf of consignor। अगर मान लीजिए कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हैं, तो वो कंसाइनर को बताता है कि भैया खर्चे करने तो तुम्हें चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे बिहाफ पर मैंने खर्चे कर दिए हैं, ये उन खर्चों की मैं तुम्हें डिटेल भेज रहा हूं। कमीशन अर्न कितना कमीशन बनता है, इस बात की इंफॉर्मेशन भी कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा। अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी, भाई कंसाइनी के पास जितना माल गया था, अगर उसमें से कुछ अभी भी अनसोल्ड रह गया है, तो उस अनसोल्ड गुड्स की इंफॉर्मेशन भी आप किसको भेजते हो, कंसाइनी को भेजते हो। चलो तो कंसाइनी भेजेगा ना कंसाइनर को, तो कंसाइनी तो बना के भेज रहा है अकाउंट सेल। हाँ पढ़ो ना ऊपर, मैंने यही तो लिखा है, कंसाइनी भेजेगा किसको, कंसाइनर को। तो उसमें क्या क्या बातें बताएगा, क्योंकि सेल भी उसी ने की होगी, ये खर्चे भी उसने किए हैं, कमीशन भी उसने कमाया है, भाई सीधी सी बात है, एजेंट सारी अपनी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, कंसाइनर को प्रोवाइड करेगा। एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट विथ कंसाइनर।
इसको। अरे ठीक है, अगर आपने कंसाइनर को कोई भी एडवांस पेमेंट किया है या आपने उसको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स करवाई हैं, तो उसकी भी आपको क्या भेजनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। और एक और इंफॉर्मेशन आपको उसको बतानी पड़ेगी कि भैया अगर कोई भी आपका बैलेंस ड्यू है कि आपके अकॉर्डिंग बैलेंस ड्यू कितना बनता है। ठीक है, तो अकाउंट सेल एक पीरियडिक स्टेटमेंट हो गया जो कि कंसाइनी कंसाइनर को बनाकर भेजेगा और उसमें वो इन सभी बातों की क्या करेगा, डिटेल्स लिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, जो सिक्स्थ डेफिनेशन है हमारी वो है परफॉर्मा इनवॉइस। क्या हो गया इसमें, हाँ जी, तो अगला है परफॉर्मा इनवॉइस। देखिएगा, आपने कभी इनवॉइस या बिल का नाम सुना है? यस सर। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा तो मैं सामने वाले कस्टमर को क्या बनाकर दूंगा, बिल बनाकर दूंगा भाई, ताकि उसके पास ये प्रूफ रहे कि उसने मुझसे माल खरीदा है, उसी को हम इनवॉइस भी बोलते हैं। अब यहां एक प्रॉब्लम आ गई, कंसाइनर जब कंसाइनी को माल देता है तो वो बिल तो बना ही नहीं सकता, इनवॉइस तो प्रिपेयर ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनवॉइस तो केवल तब प्रिपेयर की जाती है जब माल को एक्चुअली में बेचा जाता है। तो अब कंसाइनर क्या करता है, इनवॉइस के बजाय एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाकर भेजता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। यानी मेरी बात ध्यान से सुनना, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, लिखो, सिंस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनर, प्रारूप बना देता है जरिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिंस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स consigner does not prepare proper invoice, बहुत सीधा सा concept है, invoice तभी बनती है जब sale होती है, और जब आप गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेजते हो तो वो आपकी सेल नहीं है, इसलिए हम एक प्रॉपर इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। कंसाइनर
सिंपली प्रिपेयर अ परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर सिंपली प्रिपेयर अ परफॉर्मा इनवॉइस एंड सेंड इट टू कंसाइनी. आप बनाओगे और कंसाइनी को भेज दोगे. अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है लिखें. इंफॉर्मेशन गिवन इन परफॉर्मा इनवॉइस. क्या क्या इंफॉर्मेशन कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है. बस एक चीज ध्यान रख लेना, इन पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, अकाउंट सेल किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कंसाइनी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, कंसाइनर के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा. प्राइस ऑफ गुड्स सर एक बार आप वापस बोल दो जो भी बोले. मैं ये बोला कि दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं. पहला बनता है कि भाई अकाउंट सेल किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अकाउंट सेल कंसाइनर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है, तो अकाउंट सेल तो कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है, और परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है, कंसाइनर. तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं. और इसी को वो दूसरे सेंस में भी पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है कि द स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी इज नोन एज, जो स्टेटमेंट कंसाइनी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है उसे, ठीक है. और परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाएगा, कंसाइनर. वो इसमें लिखेगा कि भैया गुड्स की प्राइस क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड क्या है, वो किस तरह से माल भेज रहा है, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या होगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, ये लीजिए. ये सब बातें एक स्टेटमेंट में लिखकर, एक इनवॉइस बनाकर क्या भेजता है, जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को भेजता है. तो लीजिए, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता दी. एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं. पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी कंसाइनमेंट, जो कि एक एग्रीमेंट है जिसके द्वारा कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है ताकि वो उसके बिहाफ पर उसे आगे सेल कर सके. कंसाइनर उस पर्सन को बोलते हैं जो माल को भेजता है, कंसाइनी उस पर्सन को बोलते हैं जो कंसाइनर के लिए एज एन एजेंट काम करता है और माल को आगे सेल करता है. फिर हमारी अगली टर्म थी कमीशन, जिसमें मैंने तीन तरह के आपको कमीशन बताए, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन. और दो डेफिनेशन बनी हमारी अकाउंट सेल और परफॉर्मा इनवॉइस. आइएगा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स का टॉपिक था. टॉपिक नंबर ये हमने कौन सा लिखा था, टॉपिक टू था, जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स. आइएगा टॉपिक नंबर थ्री. तो हेडिंग डालेंगे
टॉपिक नंबर थ्री, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। देखिएगा ये क्या होता है, अच्छा पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आप जो भी वर्क कर रहे हो उसके बिगनिंग से लेकर एंड तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मान लीजिए सीएमए कर रहे हो, आपका सीएमए स्टार्ट कब होगा, फाउंडेशन से स्टार्ट होगा, फाउंडेशन के बाद आप लोग इंटर वाली स्टेज पर जाएंगे, इंटर के बाद आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आप लोग फाइनल एग्जाम देंगे और फाइनल एग्जाम देकर आप क्या करेंगे अपने इस कोर्स के साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि एक पूरा प्रोसेस जो इनिशियल स्टेज से लेकर उस ट्रांजेक्शन के कंप्लीट करने के प्रोसेस को बताता है। तो अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि कंसाइनमेंट का मैंने जो एग्रीमेंट या अरेंजमेंट किया है इसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, कैसे स्टार्ट होकर कहां पर जाकर ये एंड हो जाएगा, तो आई खुद सोचना सबसे पहले क्या होता होगा। देखो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला काम होगा गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। टू कंसाइनी, बताओ एग्री। स्टार्ट हो जाएगा ये अरेंजमेंट जैसे ही आप कंसाइनी के पास क्या करोगे, माल भेजोगे। सेकंड पॉइंट, कंसाइनी में पे सम एडवांस, और एक्सेप्ट अ बिल। अ बिल, ध्यान से समझना, कंसाइनी जो है वो कुछ एडवांस पे करेगा या फिर कंसाइनर के द्वारा लिखे गए बिल को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद इस अरेंजमेंट की अगली स्टेप होगी कंसाइनी इनकर सम एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग गुड्स। ये लीजिए, कंसाइनी उन माल को बेचने के रेस्पेक्ट में कुछ खर्चे इनकर्ड करेगा। पॉइंट नंबर फोर, सर। हाँ जी बोलो सर। ये कंसाइनी इनकर का है सर, इसमें इनकर का क्या मतलब है? इनकर का मतलब होता है मतलब खर्चे करना,
कंसाइनी इनकर मतलब पेमेंट करेगा खर्चों का। भाई जैसे मान लो गुड्स मेरे पास पड़ा है, अब मुझे उसको बेचने के लिए कोई कमीशन देना पड़ रहा है या मुझे उसका कुछ इंस्टॉलेशन करवाना पड़ रहा है, तो एक बार तो वो खर्चा मैं ही करूंगा ना, फिर बाद में मैं कंसाइनर से ले लूंगा, लेकिन एक बार तो खर्चा मुझे करना पड़ेगा माल को बेचने से रिलेटेड। फिर बाद में वो कंसाइनर से एक साथ ले लेगा। बिल्कुल कंसाइनी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स ये लीजिए। कंसाइनी जो है वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि भैया मैंने कितना माल कैश में बेचा, कितना माल मैंने क्रेडिट पर बेचा, ये सारी बातों को इनके वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद कंसाइनी प्रिपेयर अकाउंट सेल उसके बाद कंसाइनी अपना अकाउंट सेल प्रिपेयर करेगा और लास्ट में कंसाइनर पेज कमीशन। ये लीजिए जैसे ही कंसाइनी को कमीशन का पेमेंट होगा, आपका कंसाइनमेंट अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल का एक बहुत बेसिक सा मीनिंग है। ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिक मीनिंग होता है कि किस तरह से वो बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ और कहां जाकर उसका एंड हो जाएगा। सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा, कंसाइनी कुछ एडवांस अमाउंट देगा, कंसाइनी उस माल को बेचने के रेस्पेक्ट में कुछ खर्चे करेगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल के सारे सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसके बाद वो एक अकाउंट सेल प्रिपेयर करके कंसाइनर को भेजेगा और अल्टीमेटली कंसाइनर उसे क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो ये एक पूरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है किसका, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का। आइएगा अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी अकाउंटिंग पर, टॉपिक नंबर 4, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब हमें दो बार अकाउंटिंग पढ़नी है, एक कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग और एक कंसाइनी की बुक्स में अकाउंटिंग। तो लिखिएगा टॉपिक नंबर 4, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। लिखेंगे द ट्रांजैक्शन related to each consignment the transactions related to
ईच कंसाइनमेंट आर रिकॉर्डेड इन सच अ वे दैट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ ईच कंसाइनमेंट The transactions related to each consignment are recorded in such a way that profit or loss of each consignment can be ascertained मतलब कैलकुलेट करना कैन बी कैलकुलेटेड भी लिख सकते हो आप सेपरेटली लीजिएगा ध्यान से सुनना कंसाइनर अपनी बुक्स में हर कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करेगा ताकि हर कंसाइनमेंट का उसे सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए व्हाट डज इट मीन क्या जरूरी है कि कंसाइनर ने एक ही व्यक्ति को अपना एजेंट बनाया हो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने जोधपुर में माल बेचने के लिए एक एजेंट तो वहां बना दिया फिर मैंने सोचा यार कोटा में भी माल बेचना है एक एजेंट वहां भी बना दिया और दिल्ली में भी एक एजेंट बना दिया क्या आप मानते हो इट मे बी पॉसिबल 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 तो इसका मतलब अब मेरे कितने कंसाइनमेंट हो गए एक तो हो गया मेरा जोधपुर का कंसाइनमेंट एक हो गया मेरा कोटा का कंसाइनमेंट और एक हो गया मेरा दिल्ली का कंसाइनमेंट तो ये क्या बोल रहा है कि आपको हर कंसाइनमेंट के लिए सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड रखने होंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि किस कंसाइनमेंट की वजह से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा फॉर ईच कंसाइनमेंट लिखें Following accounts are prepared in the books of consignor. कंसाइनर के बुक्स में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे तो मैंने आपको बोला फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पहला बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट पहला अकाउंट बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट ध्यान से सुनना नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर जानते हो क्या होते हैं आपने बचपन में पढ़ा होगा तीन तरह के अकाउंट होते हैं पर्सनल नाममात्र प्रकृति का होता है जरिए और नॉमिनल बिल्कुल नॉमिनल नेचर के अकाउंट का मतलब है कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि आपके रेवेन्यू और इनकम्स को रिफ्लेक्ट करता है यानी इस अकाउंट का रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस को बताता है ठीक है उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं नॉमिनल नेचर अकाउंट बोलते हैं क्योंकि इसमें सभी खर्चों को और सभी इनकम्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा और इसका जो बैलेंस होगा वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू
तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है वो जिसका नेचर है नॉमिनल नेचर अकाउंट। प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। लीजिए, इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है क्या फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए इसे प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा अकाउंट आप बनाते हो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा दूसरा अकाउंट होता है। रियल नेचर क्योंकि ये गुड्स का अकाउंट है, गुड्स यानी स्टॉक अकाउंट हो गया एक तरह से, तो ये जो अकाउंट है आपका वो है रियल नेचर अकाउंट। This account closed through trading account. ये अकाउंट एक तरह से आपके गुड्स का नेचर रखता है यानी रियल नेचर है, और रियल नेचर होने की वजह से इसको अल्टीमेटली हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनको आप लोग हाईलाइट कर लेना कि ये आपका नॉमिनल नेचर है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्यू पॉइंट है हमारे पास, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो अकाउंट है आपका वो आपका रियल नेचर का अकाउंट होता है। तो कंसाइनर एक तो बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर एक बनाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा वो बनाएगा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट वो हो गया आपका पर्सनल नेचर अकाउंट। ये आपका हो गया पर्सनल नेचर अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी उस पर्सन का अकाउंट बन रहा है तो वो आपका क्या हो गया पर्सनल नेचर अकाउंट। दिस अकाउंट रिफ्लेक्ट बैलेंस ड्यू बाय कंसाइनी या अमाउंट ये अकाउंट बताता है कि इस ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने पर अब हमें कंसाइनी से कितना पैसा लेना बाकी है। भाई कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पे माल बेचा था, तो कंसाइनी मुझे पैसा देगा। तो लीजिए, बात समझ में आ रही है। कंसाइनर की बुक्स में आप ये तीन अकाउंट ओपन करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और ये अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट और लॉस को समझाएगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल नेचर का अकाउंट है और इसे हम क्लोज करते हैं थ्रू द ट्रेडिंग अकाउंट। और तीसरा हमारे पास है कंसाइनी अकाउंट जो कि पर्सनल नेचर का अकाउंट है और ये अकाउंट अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे अभी भी कंसाइनी से कितना पैसा लेना बाकी है।